हेलो दोस्तों, कितनी होगी 5G इंटरनेट की स्पीड? इंडिया में कब तक आ सकता है 5G इंटरनेट? हमारे लिए नुकसानदायक है या फायदेकारक? क्या हमें 5G की आवश्यकता है? तो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। 5G इंटरनेट मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी की 5वीं जनरेशन है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 5G कहा जाता है। 4G की तुलना में 5G इंटरनेट स्पीड 20 से 100 गुना ज्यादा होती है। 4G इंटरनेट की अधिकतम स्पीड 44.3 Mbps है, लेकिन भारत में इसकी औसतन स्पीड 6.7 Mbps है। यानी हमारे देश में नेटवर्क चलता नहीं बल्कि रेंगता। अरे भाई, आपके वहाँ तो पता नहीं, पर हमारे वहाँ तो 1-2 Mbps की भी कभी कभार होती है। क्या फायदा 4G चलाने का? दोस्तों, आपके वहाँ कितनी स्पीड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो क्या हमें 5G की आवश्यकता है? क्यों नहीं है ना, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास। पहले बिजली नहीं थी, फिर भी लोग जीते थे ना। इसका मतलब ये नहीं कि बिजली बेकार है। हम आने वाले समय में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, तो क्या इसकी भी जरूरत नहीं है? वहाँ हमें क्या मिलेगा? लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है, इसे हमें समझना होगा, तो हम 5G इंटरनेट से 1 सेकंड में 1 GB पर सेकंड स्पीड का मजा ले सकेंगे। ये हमें 2022 तक भारत में देखने को मिल सकता है। यदि आप सोचते हैं कि 5G दुनिया बदल देगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। ये भी सच है कि तेज इंटरनेट की जरूरत सबको है, लेकिन आप जानते होंगे कि तकनीकी दुनिया में जहाँ कोई आविष्कार होता है, वह एक और फायदा और दूसरी ओर इसका नुकसान भी होता है। 5G इंटरनेट को लेकर एक बड़ी चिंता जताई जा रही है कि सिग्नल भेजने और कैच करने के लिए जो मोबाइल टावर एंटीना लगाए जाते हैं, इनके नजदीकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, और 5G में डेटा ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा टावर लगाने होंगे। हालांकि एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं है। इनका कहना है कि अगर भारत रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपायों का पालन करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। WHO का कहना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से सिर्फ एक ही प्रभाव पड़ेगा, और वो है शरीर का तापमान बढ़ना। शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आशा करते हैं दोस्तों, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको 5G के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।